नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक। कोरोना वायरस जो कि अभी पूरी दुनिया में हाहाकार मचा के रखा हुआ है, भारत के अलावा हम बात करें, चीन के अलावा हम बात करें तो 18 देशों में ये वायरस फैल चुका है। कोरोना वायरस जो है चीन से फैला हुआ था। चीन में वहाँ जो मांस खाया जाता है, चमगादड़ का मांस खाया जाता है, सांप का मांस खाया जाता है, उसके ज़रिए वायरस आया था। इस वायरस से सबसे बड़ी परेशानी ये है कि भारत में लोग अब डरने लगे हैं, और जिन लोगों को नॉर्मल सर्दी जुकाम भी आ रहा है वो लोग भी डर रहे हैं और बोल रहे हैं हमको कहीं कोरोना वायरस नहीं लग गया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बढ़िया सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको ये वायरस फैल रहा है तो आपको पहले चिकित्सा में दिखाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको कोरोना वायरस ही हो, कि आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो कोरोना ही वायरस हो। क्योंकि लोग भ्रम फैलाने लगे हैं, लोगों तक ये बातें पहुंच रही हैं, लोग जानने लगे हैं कोरोना वायरस के बारे में। अगर किसी को जुकाम होता है, किसी को सर्दी होती है तो लोग डर रहे हैं कि हमको वायरस तो नहीं हो गया है। तो जिन लोगों को ये हो रहा है वो ये बता रहा है कि हमको कहीं कोरोना तो नहीं लग गया है, वो वही बात लोगों तक फैल रही है, इसलिए लोग डर रहे हैं। तो डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ सावधानी आपको बरतनी है। सावधानी आप बरतिए, घर में रहिए, बाहर का कुछ मत खाइए, किसी का झूठा मत खाइए, ग्रसित लोगों से थोड़ा दूर रहिए। आपको ये सावधानी रखनी है। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फौरन चिकित्सक को दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए। आपको अपने मन से नहीं सोचना है कि ये प्रॉब्लम हमको भी आ गई है। तो ये आपको एक मैं सलाह देने के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि आप किसी भी चीज़ से डरिए मत, सिर्फ सावधानी रखिए। तो वायरस बहुत बड़ा है क्योंकि इसका इलाज अभी मिला नहीं है और लोग जो है नाकों के सामने मर रहे हैं। चीन में 200 लोगों की मृत्यु जो है उसकी पुष्टि हो गई है और 8000 लोग इससे ग्रसित हो गए हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, आपको ध्यान देना है, डरना नहीं है और सोच समझ के सारी चीज़ें करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी दीजिए, अपने आसपास वालों को समझाइए कि बाहर का नहीं खाना है, सुरक्षित रहना है, साफ़ सफाई ज़्यादा रखनी है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।